जनाब, आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग सदन में, संसद में जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के संदर्भ में। तो संसद में कौन कौन प्रस्ताव आता है? एक बोलता है लोग मूल प्रस्ताव, एक आ गया तुम्हारा स्थानापन्न प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, एक आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक आता है स्थगन प्रस्ताव, ये सब है क्या और आता क्यों है? तो इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे बड़ा आसान शब्दों में कि मूल प्रस्ताव क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, फिर इसी में आ जाएगा एक आधे घंटे की चर्चा। तो एक एक करके देखते हैं। देखो, मूल प्रस्ताव है क्या? मूल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या होता है? जिसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे मानव मरणशील है, तो कोई ये नहीं ना कहेगा यार कि हमारा नए मरे का मन कर रहा है, हमर जगह हम तू मर जाना सो, ये तो होगा नहीं। तो जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो, उस तरह के प्रस्ताव को कहा जाएगा मूल प्रस्ताव। जैसे सरकार को गिराना है, तो सरकार को गिराना है तो यार अविश्वास प्रस्ताव आएगा। ऐसा नहीं कि सरकार चारा ना गिरेगा, आज भर के लिए गिरा, कल फिर खड़ा हो गया, ये अपने आप में संपूर्ण है। जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, उस अभिभाषण के बाद वो अपने आप में संपूर्ण होता है, उसके लिए लाया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। अब कहोगे ये भी एक प्रस्ताव है, मूल प्रस्ताव समझ में आ गया होगा कि जिस प्रस्ताव का कोई विकल्प ना हो, एकदम आसान शब्दों में दिमाग में रखना नहीं यार, कोई विकल्प ना हो वो क्या कहलाएगा? मूल प्रस्ताव। अब स्थानापन्न प्रस्ताव, ये क्या है? स्थानापन्न मतलब के जगह पर, जैसे तुमको पार्टी में जाना है, मन नहीं किया या बिजी रहा या कह दिया पेटे खराब है हम नहीं जाएंगे, तुम अपने जगह छोटका भेज दिया, तो वह प्रस्ताव जिसका कोई विकल्प, जैसे मोदी जी लाए थे कृषि बिल, पहले आतंकवाद विरोधी कानून था उसको हटा करके अटल बिहारी वाजपेयी लाए टाडा कानून, तो एक कानून को रिप्लेस करके उसके जगह पर जो दूसरा आता है वो कहलाता है स्थानापन्न प्रस्ताव। मतलब कुल मिला के दिमाग में खाली रख लो कि अगर विकल्प होगा। एक आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये ध्यानाकर्षण क्या है? ध्यानाकर्षण मतलब ध्यान को आकर्षित करने वाला। अगर मान लो न्यूज में तुम सुन लो, इसका मूल स्रोत होता है अखबार मीडिया, कि माननीय नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ घूस लिया या 5 करोड़ रुपया लिया, तो यार ये लोग पब्लिक फिगर है ना, इन लोगों को सर्दी भी होता है, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चलता है कि मोदी जी को सर्दी हुआ, जुकाम से ग्रसित है, और इधर खोखेत खोखेत मर जाओगे तो कोई तुरा पूछे वाला नहीं है। तो सदन पूछेगा मोदी जी से कि मोदी जी सुने कि आप 5 करोड़ रुपया लिए हैं, कौन चीज़ का है? तो मोदी जी जवाब देना होगा। मान लो कह दिए कि पार्टी फंड का चंदा है, तो हो सकता है लोग कंसीडर कर ले, विश्वास हो जाए, और अगर नहीं भरोसा हुआ तो फिर उसके ऊपर जांच ताँच बैठना शुरू हो जाता है। तो इसका मूल स्रोत होता है अखबार मीडिया, उसके माध्यम से इसको पूछा जाता है, सदन की कार्यवाही को रोक दी जाती है और इस मामले के ऊपर चर्चा किया जाता है। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना है तो कैसे लाओगे? सवेरे 10 बजे लोकसभा सचिवालय चल गया, क्वेश्चन पुट कर दिया कि भाई इस मामले से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर अध्यक्ष को लग गया कि लाने लायक है तो उस दिन की कार्यवाही बंद और इस टॉपिक पर चर्चा शुरू, दंडनादंडन है। अब ले लो स्थगन प्रस्ताव। स्थगन मतलब एकदम आसान शब्दों में समझ लो, स्थगन मतलब रोक देना, स्थगित कर देना। बात समझना, स्थगन प्रस्ताव में खेला क्या होता है? सदन की कार्यवाही को रोक दी जाती है। बहुत बार हम समझा चुके हैं इस चीज को कि ऐसा नहीं है कि तुम सदन में पहुंचा, खैनी उनी खाया, सिगरेट तिगरेट सोंट लिया और खड़ा होकर दंदाना पूछना शुरू कर दिया कि हाँ मंत्री महोदय बोलिए, ऐसा नहीं होता। आपको 10 दिन पहले लोकसभा के सचिवालय में
क्वेश्चन को पुट करना होगा, वो क्वेश्चन का होता है छटनी, महासचिव छटनी करता है उसका और देखता है क्वेश्चन पूछने लायक है या नहीं है। अब तुम ये नहीं पूछ दोगे कि सर इतना दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा नौकरी नहीं हुआ, कृपया इस पर चर्चा करें। तो चर्चा के विषय मामला देश हित से होना चाहिए, जनहित से होना चाहिए, राष्ट्रहित से होना चाहिए, देर किया जाना उचित नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस प्रकृति का हो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मान लो कि एकाएक कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, भारत मान लो चाइना पर अटैक कर दे, भारत में कोई बहुत बड़ा जलजला खड़ा हो जाए जिसमें देर करना किसी भी कीमत पर उचित नहीं हो, उस पर तात्कालिक कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रहित से संबंधित होना चाहिए, तो फिर जाओगे लोकसभा सचिवालय और वहां लाओगे 10 बजे पुटअप करेगा कि आज हम स्थगन प्रस्ताव इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर ला रहे हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष संतुष्ट हो गया कि हाँ मामला है, गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उस दिन उस कार्यवाही को पूरा पूरी रोक दिया जाता है। और पूरी कार्यवाही को रोक करके, चूंकि ध्यान रखना आज क्या क्या होगा ये 10 दिन पहले से निर्धारित है, तो कार्यवाही को रोक दिया जाएगा और उसी मसले के ऊपर चर्चा किया जाएगा। क्योंकि सदन की कार्यवाही रोक दी जाती, इसलिए नामो है इसका स्थगन प्रस्ताव। एक आता है आधे घंटे की चर्चा। अब कहोगे सर आधे घंटे की चर्चा में क्या होगा, तो बहुत कुछ होगा यार, आधे आधे घंटा का चर्चा, इसमें कोई फ्रेश क्वेश्चन नहीं होता है। एक आता है अल्पकालीन चर्चा, ये आधे घंटे की चर्चा का क्या मजरा है पता है, इस शाम को होता है 5 से लेकर 5:30 के बीच में। अब कहोगे इसमें क्या होगा, इसमें कोई फ्रेश क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, व्युत्पन्न प्रश्न, मतलब प्रश्न से संबंधित प्रश्न। कभी कभी नहीं होता यार कि यार जाओ साला सारा सब कुछ तो पूछ लिए, ये पूछना हम भूल गए, तो उस तरह का इशू जो ऑलरेडी पूछा जा चुका हो उससे रिलेटेड सवाल, मूल सवाल। जैसे तुम घर में माँ को बोला कि हम जा रहे हैं, तो सवाल पैदा होते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो बोला जा रहे हैं वोमेंस कॉलेज, तो आपकी हैवी सवाल पैदा हो गया कि तुम वोमेंस कॉलेज कहाँ जा रहा है, तो बोलोगे मिलने जा रहे हैं, फिर सवाल हो गया किस से, बोल प्रिंसिपल से, तो मूल सवाल क्या था, हम जा रहे हैं, बाकी उसी से पैदा लिया, दैट इज व्युत्पन्न प्रश्न। तो यही इसमें होता है चर्चा, सप्ताह में 3 दिन होता है यार, MWF में, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। एक आता है अल्पकालीन चर्चा, ये अल्पकालीन चर्चा सप्ताह में 2 दिन होता है, एक होगा मंगलवार को और दूसरा होता है बृहस्पतिवार को, ठीक है, गुरुवार को। तो अल्पकालीन चर्चा में भी वही व्युत्पन्न सवाल होता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जो प्रस्ताव चलता रहता है लोकसभा की कार्यवाही, मैं पुनः बतला दूं, एकदम समरी टाइप पर देख लो, मूल प्रस्ताव जिसका कोई विकल्प नहीं हो, स्थानापन्न प्रस्ताव जिसका विकल्प हो, फिर आ गया तुम्हारा स्थगन प्रस्ताव, मतलब सदन की कार्यवाही रोक दी जाएगी, उस मामले पर चर्चा होगी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसका मूल स्रोत है अखबार, फिर आ गया तुम्हारा आधे घंटे की चर्चा, 5 से 5:30 के बीच होगा, MWF में होगा, अल्पकालीन चर्चा सप्ताह में 2 बार होगा, 2 दिन होगा, मंगलवार और गुरुवार को। उम्मीद है कि संसद से संबंधित जितने प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सब समझ में आ गया होगा, और इस संबंध में आप लोगों का जो भी राय हो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।